हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन की सहायता से किस प्रकार से महाराणा प्रताप जी की जयंती का पोस्टर बनाएंगे। सो गाइज, यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यदि आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है और जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ओपन PLP फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है महाराणा प्रताप जयंती का जो है पोस्टर देखने को मिलेगा, आपको इसे ऐड कर लेना है। यदि आप चाहते हैं इन सभी PNG मटेरियल्स और PLP फाइल को डाउनलोड करना तो आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो पोस्टर है आप लोगों के सामने ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर टिक करना है और इन सभी को जो है अनलॉक कर देना है। यहाँ पे फिलहाल हम किसी को लॉक नहीं किए हुए हैं तो डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, हम इसके साइज़ को कुछ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। आप लोग भी कुछ इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यदि आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन में आना है, उसके बाद कलर पर चले जाना है। अब आपको इसके कलर को जो है चेंज कर देना है। यदि आप जो है थोड़ा थोड़ा करके इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से तो आप थोड़ा सा इसके कलर को इतना कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे इतना करके आप जो है इनके कलर को कुछ इस प्रकार से कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पे इन सभी को जो है चेंजिंग करना कुछ इस प्रकार से तो आप जो है हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है, तो आपको इन सभी को जो है टाइप करने के लिए यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको जो यूनिकोड पैड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मैं उस एप्लीकेशन का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को भी आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो है जैसा कि कुछ दूसरा लिखना हुआ तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले यूनिकोड पैड एप्लीकेशन में चल के उसका यूनिकोड जो है निकाल लेना होगा। सो फ्रेंड्स, हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है पेस्ट कर देते हैं अपने उस यूनिकोड को। यहाँ पे फ्रेंड्स पेस्ट करने के बाद हम जो है ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वीर योद्धा के जगह पे जो है वीर शिरोमणि हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा इसे छोटा कर देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है कि एकदम हमारा जो है सेट हो चुका है। यदि आप और भी सेट करना चाहते हैं तो इसे जो है थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, उसके बाद सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आपका पूरा चेंजिंग हो चुका है। यदि आप यहाँ पर भी चेंजिंग करना चाहते हैं महाराणा प्रताप में तो आप जो है इसको भी डबल टैप करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टाइप करके यदि आपको जो है यहाँ पर भी वीर शिरोमणि ही लिखना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये वाला एकदम पूरा सा बढ़िया से सेट हो चुका है। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है बढ़िया से सेट हो चुका है और यहाँ पे आप कुछ भी इस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो ऐड करना हुआ तो हमारी इस फ़ोटो को डिलीट करके आप जो है किसी दूसरे फ़ोटो को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्लस वाले चिन्ह पे टैप करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना होगा। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है अपने दूसरे पिक्चर को जो है ऐड कर लेना है। दूसरे पिक्चर को हम किसी भी टाइप से जो है ऐड कर सकते हैं जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो है एक दूसरा पिक्चर अवेलेबल है तो हम अपनी इस पिक्चर को जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं हमारा कुछ इस प्रकार से, तो हम इसे और भी छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो फोटो है बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। अब हमारा लगभग लगभग पोस्टर भी बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से पोस्टर डिजाइनिंग अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। तो
तो यदि आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल टेक्निकल आर्यन जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में पासवर्ड मिल गया होगा। यदि पासवर्ड मिल गया है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही पोस्टर डिजाइनिंग और फॉन्ट से संबंधित वीडियो रोज लाते रहते हैं। सो गाइज, बस आज के लिए इतना ही था। तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।